तो क्या सुविधा अपने लोगों को दी? लोगों की सुविधा की तो बात ही है जी। एक हमारे यहाँ मूंद जो बनाते हैं फावड़े की मूंद, वो तो उसके लिए आया था लोन के लिए। लेकिन कोई भी आदमी हमारे यहाँ लोन लेने के लिए तैयार है किसी भी चीज में, बाकी बात है उसको फिर जमा करने का कोई इच्छुक नहीं है। हमारे बैंक में लगभग 16 गांव पड़ते हैं। जब मैनेजर से उसमें बात हुई कि इन लोगों को लोन दिया जाए, तो उसने कहा कि हमारे पे इन पे तो इतने करोड़ रुपया बकाया, बताओ हम इनको लोन कैसे दें। तो इसलिए लोन जो बैंक मैनेजर है वो भी इनसे लोन देने से कतराता है। तो जब वो लोन नहीं देता तो ये करेंगे कैसे? और लोन ये जो जिसको लोन मिला हुआ है 50 भैंसों के कहीं के भी, वे लोग वापस जमा नहीं करते। तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? क्या कभी आपने लोगों को इस बारे में जागरूकता लाने की कोशिश की, कि लोगों को बोला कि आप अपने पैसे जमा करो, इससे दूसरे लोग भी दुखी हो रहे हैं? नहीं, वो बोला जी, जब जब जिस जिस आदमी को लोन की जरूरत है वो आके कहता है भाई मुझे लोन की जरूरत है, तो हम उसको कहते हैं जब ये पहले वाले नहीं भरा तो तुम्हें इस लोन इसलिए नहीं मिलेगा। तो हम उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने लोन लिए हैं, बाकी वो कहते हैं हमने तो जमा कर दिया था जी, हमने तो जमा कर दिया था। कुछ लोन ऐसे भी थे जो 10 आदमियों के समूह का लोन था, तो उस 10 आदमियों के समूह वालों को लोन मिला था, वो वैसे को नहीं मिला था। तो समूह में कुछ ने भर दिया, कुछ रह गए। किसी ने 100 रुपये भरे तो वे ऐसा बताया कि वे 10 के 10 में बैठे, और जिसने नहीं भरे उस पर भी इतने, जिसने भरे उस पर भी इतने। वो सिस्टम भी गलत था।